भाई देखो यहाँ कैसे मारा मारी हो रही है, वो भी फ्री में टेस्ट करने की। बचपन की याद दिला दी। ये मेरा विजिटिंग कार्ड आप देख सकते हो। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम कतर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की चीज़। कमाल की वो थोड़ी सी इसलिए है क्योंकि जो है ना इंडियन मैंगोज़ के बारे में, तो इस बार जो है ना फर्स्ट टाइम इंडियन एम्बेसी और कतर के जो सूक वाकिफ है, इन्होंने दोनों ने कोलेब्रेशन में जो है ना ये एग्जीबिशन रखा है, इंडियन मैंगोज़ फेस्टिवल, या इसको ये कहें कि एक एग्जीबिशन है। तो इसमें बहुत सारी जो है ना मैंगोज़ की वैरायटी है और डिफरेंट डिफरेंट और मैंगोज़ से रिलेटेड जो है ना जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो है। तो यही सब आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी अंदर चलते हैं इसमें। वैसे मैं ऑलरेडी अंदर ही हूँ क्योंकि बाहर हो रही है बहुत ज़्यादा गर्मी, तो उस वजह से जो है ना लगभग अंदर बाहर कम से कम 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और अंदर लगभग 25, तो अंदर इसलिए बहुत सुकून है थोड़ा सा, इसलिए मैं यहाँ से बना रहा हूँ। और थोड़ा सा आगे को चलता हूँ, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। और यहाँ सैंपल रखे गए हैं पेड़ के, जिन पे जो है ना मतलब आम के ओरिजिनल पेड़ है जिन पे आम भी लगे हुए हैं। इस तरफ दिखाओ, देखो बिल्कुल ओरिजिनल ओरिजिनल आम है। टच करना अलाउ नहीं है, उस पर लिखा हुआ है डू नॉट टच, तो टच करना अलाउ नहीं है। बाकी देख सकते हो ओरिजिनल पेड़ है, ऐसे आर्टिफिशियल नहीं है कि प्लास्टिक के बना के लगाए हैं, लेकिन और ये हमारा अल खुआरी मैंगो, ये एक यहाँ के अपना ब्रांड समझ लो या यहाँ की एक वैरायटी समझ लो मैंगो की, जिसके बाद यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट हैं इसके, तो वो भी हम देखेंगे चल के। और लेट्स सी, सब फोटो खींच रहे हैं इनके साथ। कच्चे आम है बिल्कुल जैसे अपने इंडिया के, और यहाँ पे खट्टी खट्टी स्मेल भी ऐसी आ रही है जैसी आम के बाग में आ गए हो। ये पूरा बंद है, एयर कंडीशन चल रहा है, पूरा मस्त वाला एसी चल रहा है। तो अभी करता हूँ और भी चीज़ें दिखाता हूँ अभी यहाँ पे। ये देख के बहुत अच्छा लगा, मतलब शुरू में ही पेड़ लगा रखे ऐसे। मतलब मुझे सबसे कमाल का वो लगा है कि एंटर करते ही सबसे पहले उन्होंने वो पेड़ लगा रखे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और उस पर रियल आम है बिल्कुल, मतलब आर्टिफिशियल नहीं, ओरिजिनल आम लगे हुए हैं उस पर। और यहाँ पे एक काउंटर और लगा हुआ है, ये इसका ग्रैंड हाइपर मार्केट, ग्रैंड हाइपर मार्केट। और ये पे तो इस तरफ और भी कुछ हाँ प्रोडक्ट्स हैं ये। देखो लेके जा रहे हैं अभी, बहुत बहुत ही बड़ा, बहुत ही मतलब एक ये अच्छा किया इन्होंने, ये टेंट का लगाया और इसमें चारों तरफ एसी लगाई है, बहुत ही मतलब अच्छा फील आ रहा है। और इस तरफ जाए इसमें ये मजलिस है, ये बड़े लोगों के लिए VIPs के लिए है मजलिस बनी हुई, तो ये बड़े लोगों के लिए जिन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया होगा तो ये उनके लिए है। यहाँ पे बैठे भी हैं दो चार लोग। और ये अभी कुछ लगा ही रहे हैं, और ये है सफारी हाइपर मार्केट का काउंटर लगा हुआ। और ऐसे ही सबके जो है ना, सब जितने भी मॉल्स हैं उनके सभी के ये ग्रैंड हाइपर मार्केट का है।
इसका प्राइस है भाई 1,850 रुपये, 1,850 कतरी रियाल पर केजी। और ये देखो भाई कुछ गोरे भी हैं यहाँ। ये है अल रवावी कलेक्शन ऑफ मैंगोज और इसका प्राइस है 14.50 कतरी रियाल। सबसे कमाल की चीज़ इसके बारे में ये है कि ये टेंट के अंदर बनाया है, क्योंकि समर का सीज़न है तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, टेम्परेचर अप टू 45 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, तो इस वजह से ये उसके अंदर बनाया है। काफ़ी मतलब चिल्ड कर रखा है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं भी बाहर इसलिए नहीं जा रहा हूँ, यहीं पे खड़ा हूँ काफ़ी देर से, इंजॉय कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। अभी सोच रहा हूँ मेरा एक दोस्त आने वाला था, उससे मिल लूँ पहले, फिर देखता हूँ बाहर का कुछ जुगाड़। और ये देखो भाई मैंगो का पेड़ उठा के ले गए दूसरी तरफ लगाने के लिए, वही सबसे अच्छा पेड़ था यहाँ पे। और ये देखो भाई इन आम के ऊपर जो है ना, ये जो आम थे उनके ऊपर पन्नी बांध के लेके आए हैं। दूसरा पेड़ ले गया है लेकिन पन्नी बांधा लाइक है, क्योंकि लोग जो है ना उन्हें टच कर रहे थे आम को बार बार, तो इसलिए उन्होंने वो किया चेंज कर दो मामला। और अच्छे लग रहे थे लेकिन वो जो है ना वही है कि हम खुद डिस्टर्ब कर रहे थे उन्हें, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि क्या नाम इसको जो है ना कवर कर दिया जाए, ताकि लोग जो है ना कम देखे या दिखे ही ना उनको। ये जितने भी मॉल्स हैं उन्होंने सबने अपने अपने काउंटर्स लगा रखे हैं यहाँ पे। एक बीच में ओरिजिनल मैंगो है और साइड में जो है ना दोनों तरफ मैंगो प्रोडक्ट्स लगा रखे हैं, इस तरफ वो आइसक्रीम और जूस वगैरह वो सब चीज़ें जो है ना लगा रखी है, और बीच बीच में जो है ना ओरिजिनल है साइडों में दोनों तरफ जो है ना ये प्रोडक्ट्स है, तो वो खरीद सकते हैं यहाँ से। लजीज मर्ज़ा डोसा स्ट्रीट रेस्टोरेंट, डोसा खाना है भाई डोसा भी मिल जाएगा, किसी को अगर डोसा पसंद है भाई डोसा खा सकता है वो। काफ़ी प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा बनाया है यहाँ पे। और ये कुछ वैसे भी प्रोडक्ट्स हैं फ्रूट्स के अलावा, और भी प्रोडक्ट्स हैं खाने वाने के लिए, फूड वूड के लिए, बच्चों के लिए और भी चीज़ें लेनी पड़ती है तो उसके भी काउंटर्स है। जैसे इधर जो है ना पॉपकॉर्नस का है, ये देसी ढाबा है, जलेबी वलेबी खानी है किसी को, चाय कॉफ़ी पीनी है, तो वो सब चीज़ें हैं यहाँ पे अवेलेबल। और इस तरफ जो है ना ये है सऊदिया मार्केट, तरफ ये सऊदिया मार्केट है, यहाँ पे सऊदी के लगा रखे इन्होंने, तो बलून वलून भी लगाए हुए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। हेलो, मैं यही हूँ, इधर दूसरी तरफ आ गया हूँ। और ये है हमारे फैरूज़ भाई, ये फैमिली को लेके आए हुए हैं, यही मुझे कॉल कर रहे थे, इन्हीं का मैं इंतज़ार कर रहा था। कैसे हो फैरूज़ भाई? हाँ ठीक है यार। वीडियो वीडियो बनाई? बना रहा था, ठीक है, बना रहा है। तो डर क्यों गए बनाते बनाते? बनाओ चिल हो गए, आराम से बनाओ ना, इसलिए थोड़ा बनाने के मुश्किल हो रहा है। अच्छा, इंस्टाग्राम का तो दे दिया वो इन्होंने, वो अभी लटकाया नहीं सर। और यहाँ पे बेचो के जो है छोटा सा
और भाई देखो यहाँ कैसे मारा मारी हो रही है वो भी फ्री में टेस्ट करने की। हमें तो ऐसा लग रहा है खाली स्टिक ही मिलेगी, खाली स्टिक ही मिलेगी ऐसा लग रहा है। देखो देखो भाई, देखो भाई हमारे साथ क्या हो रहा है। बहुत खट्टे हैं यार। और ये भाई मैंगो पिस्ता और 15 रियाल पर केजी। ये देखो भाई कच्चे कच्चे वाला, कच्चे वाला चिली, कच्चा है ये, कच्चा मैंगो विद चिली सॉल्ट। उसने तो बचपन की याद दिला दी। सही में हम बचपन में खाते थे। और गाइस यहाँ पे टेस्ट करने के लिए फ्री में उसने दिया। अच्छा जो पका हुआ था वो तो काफ़ी ठीक ठाक लगा, लेकिन कच्चे वाला इतना चिली, ये उसने बचपन की याद दिला दी, इतना कच्चा था वो। ये जो है ना एग्जीबिशन 10 दिन तक चलने वाला है और यहाँ पे जो है ना बहुत सारी वैरायटीज़ है उसकी, मैंगोज़ की बहुत सारी वैरायटी है और मैंगो प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, तो आप ट्राई कर सकते हो, फ्री में ट्राई कर सकते हो, ख़रीद सकते हो। ज़्यादा महंगा नहीं है, 14-15 कतरी रियाल पर केजी है और ये 10 दिन चलने वाली है ये एग्ज़िबिशन। और आप शाम को जो है ना 4 बजे से 9 बजे के बीच आके इसको इंजॉय कर सकते हो, काफ़ी प्यारा है ये। और यहाँ पे जो है ना सभी जितने भी मॉल्स हैं उन सब ने अपने अपने जो है ना काउंटर्स लगाए हुए हैं, जिसमें लूलू हाइपर मार्केट है, उसके अलावा मेरे पीछे जो है ना सऊदिया हाइपर मार्केट का जो है ना काउंटर्स लगे हुए हैं और बहुत सारे काउंटर्स हैं यहाँ पे। और फूड एंड बेवरेजेस की भी है, बच्चों के लिए अगर कुछ खाने पीने का लेना है तो वो भी है, सब चीज़ें चाय कॉफ़ी हर चीज़ का इंतज़ाम है। तो लेट्स सी और कुछ देखते हैं अगर कुछ और है। काउंटर है पंजाबी समोसा विद मैंगो चटनी 5 5 5 5 करक चाय 3। अरे छोड़ो मैं देता हूँ, अरे मैं देता हूँ, ये ऐसा ही ट्रीट है मेरे तरफ से। अच्छा चलो थैंक यू, बाद में लेंगे चाय पिलाओ। हाँ इससे बात करो, चलो चलो। और ये है भाई हमारे चंद्रकांत भाई जिनका मैं इंतज़ार कर रहा था, और इन्होंने अभी हाल फिलहाल में एक बिज़नेस शुरू किया है जॉब के साथ साथ। तो चंद्रकांत भाई उसके बारे में बताओ, अपने बिज़नेस के बारे में जो भी स्टार्ट किया है। मेरा नाम चंद्रकांत निगम है और मैं इंडिया से महाराष्ट्र से हूँ और मैंने फिलहाल ही इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस चालू किया है कतर के लिए। और ऑलरेडी मैंने एक बनाना का कंटेनर कतर में सप्लाई कर दिया है इंडिया से एक्सपोर्ट, जो कि ये मेरा विजिटिंग कार्ड आप देख सकते हो। और मैं अभी एक कतर में मैंगो एग्जीबिशन चल रहा है, तो उधर होप सो कोई मुझे एक बायर मिल जाए या मैं उनके थ्रू मेरा है और एक नेक्स्ट कंटेनर यहाँ पे बेच सकता हूँ। तो होप सो, देखते एग्जीबिशन में क्या क्या होता है आगे, एक एक चेक करते हैं हम लोग। और ये एग्जीबिशन लगा हुआ है और इसमें जितने भी मैंगोज आए हैं वो सब इंडिया से इम्पोर्ट हुए हैं यहाँ पे। और भाई इन्होंने जो है ना एक बंदे को कार्ड भी दे दिया है अपना, एक किस्म का इनविटेशन दे दिया है, इनसे बात कर लो। एग्जीबिशन की टाइमिंग जो है ना शाम को 4 बजे से लेकर 9 बजे तक है और ये 8 जून तक चलने वाला है। और इसमें जो है ना बहुत सारे मैंगोज़ की वैरायटी है, मैंगो प्रोडक्ट्स है, आप टेस्ट कर सकते हो, उसके अलावा ख़रीद सकते हो। फूड एंड बेवरेजेस के जो है ना काउंटर्स हैं, वहाँ से आप ख़रीद सकते हो कुछ भी। और इसी के साथ मैं वीडियो को करता हूँ ख़त्म और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा, एक तो ये जो है ना इंडोर बनाया है टेंट लगा के, तो इसलिए मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, जल्द मुलाकात होगी आपसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।